अक्सर आपने कहा है कि मदरसों में श्री राम का पाठ पढ़ाया जाएगा, क्या कुछ इसकी पूरी प्रक्रिया रहेगी? है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा कि जो उनके एक कॉल के लिए, अपने वालिद के एक कॉल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा, वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को? औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की कि इसकी गर्दन नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं? या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे? तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है खूबसूरत भारत अगर हमें बनाना होगा तो हम उस ट्रैक को आगे बढ़ाना होगा। न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, न डरेंगे न डराएंगे, मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।